नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। सत्ता में लौटने के मिशन के साथ भाजपा की परिवर्तन यात्राओं का आगाज हो चुका है। इस बार चार हिस्सों में विभाजित यात्रा कार्यक्रम की पहली यात्रा सवाई माधोपुर के रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर से हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दशहरा मैदान में जनसभा के बाद परिवर्तन रथ को रवाना करके पार्टी के इस चुनावी अभियान का शंखनाद किया। परिवर्तन यात्रा के दौरान भाजपा प्रदेश चुनावी प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व सीएम और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कोर कमेटी के सदस्य और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के साथ ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी चर्चाओं में हैं। साल 2013 और 2018 के दौरान राजे के नेतृत्व में परिवर्तन यात्राएं निकल चुकी हैं। दोनों बार यात्राओं का आगाज उन्होंने राजसमंद स्थित चार भुजा धाम से किया था, लेकिन इस बार यात्रा को चार भागों में विभाजित किया गया है। लिहाजा यात्रा का नेतृत्व सिर्फ वसुंधरा राजे के जिम्मे नहीं है। केंद्रीय संगठन ने इस बार परिवर्तन यात्राएं सामूहिक नेतृत्व में निकालने का फैसला किया है। और इस बीच परिवर्तन यात्रा के एक दिन पहले वसुंधरा राजे देव दर्शनों में व्यस्त रही थी। उन्होंने राजसमंद स्थित चार भुजा धाम, नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी और बांसवाड़ा स्थित मातृपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन करके पूजन कर धूप लगाई थी। परिवर्तन यात्रा के मार्गों पर छोटी बड़ी सभाएं, चौपाल और नुक्कड़ सभा रखी जा रही है। यात्रा का हर दिन जहां भी रात्रि विश्राम रहेगा वहां भी सभा होगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के हलचलों के बीच प्रदेश भाजपा की हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर केंद्रीय संगठन की खास नजर है। परिवर्तन यात्राओं में केंद्रीय स्तर के नेताओं की भागीदारी होने के कारण केंद्रीय टीम प्रदेश स्तर पर हो रही तमाम तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रही है। चार यात्राओं के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा तीन केंद्रीय मंत्रियों के नामों के ऐलान के बाद भी समय समय पर अन्य केंद्रीय स्तर के नेताओं को भी इन यात्राओं में भेजे जाने का शेड्यूल तैयार किया गया है। चार अलग अलग स्थानों और दिशाओं से सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों तक यात्राएं पहुंचेंगी। इस दौरान 8,500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया जाएगा। इन यात्राओं में किसान चौपाल, युवा मोटरसाइकिल रैली, महिलाओं की बैठक और दलित चौपालें भी आयोजित होंगी। अब देखना होगा कि ये यात्राएं भाजपा के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती हैं। आपके इस पर विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।